दोस्तों, मैं विनय द्विवेदी आपका मंत्रा क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए कुछ खास लाया हूँ। खास क्या लाया हूँ? बीईओ। बीईओ का मतलब खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती, जो 2023 में आने वाली है। 2023 में आने वाली है क्योंकि हम लोगों के आगामी 6 महीने का कैलेंडर जो है वो लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार किया जा रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा, काफी लोगों के मन में ये विडंबना थी कि ये वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। ये वैकेंसी आने वाली है, पर इस वैकेंसी का जो पैटर्न है वो क्या है? इस वैकेंसी के आने के लिए कुछ समय लगेगा। और समय क्या लगेगा? इसका नोटिफिकेशन जो है वो दिसंबर लास्ट 2022 आपका आ जाएगा, दिसंबर में आ जाएगा। और इसका जो फॉर्म तिथि है वो जनवरी और फरवरी ही रहेगा। जनवरी फरवरी में ये फॉर्म कम्प्लीट किया जाएगा और उसके बाद जो इसकी परीक्षा होगी वो आपकी मई या जून में कंप्लीट करा ली जाएगी। एक बात ध्यान रखिएगा, मई या जून में क्या करा ली जाएगी? कंप्लीट करा ली जाएगा। एग्जाम के लिए एक बहुत अच्छे से बात याद रखना है कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी, योग्यता क्या होगी। बहुत लोग इस बात के लिए कंफ्यूज रहते हैं कि योग्यता हो क्या होगी, बीटीसी वाले फॉर्म भर पाएंगे या बीएड वाले फॉर्म भर पाएंगे, या बीटीसी वाले भर पाएंगे या बीएड वाले भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, ये बड़े कंफ्यूजन रहते हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसकी जो योग्यता है, यहाँ पर इसकी योग्यता जो है वो बीटीसी वालों की नहीं है। बीटीसी वाले इस एग्जाम को नहीं दे पाएंगे, केवल बीएड वाले ही इस एग्जाम को दे पाएंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यह एग्जाम आपका मई और जून तक कंडक्ट करा लिया जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें बड़ी मेन बात यह है, स्पेशली बड़ी बात यह है कि इसमें जो अधिकारी लेवल का जो बनता है, अधिकारी बनता है, वो ब्लॉक लेवल का बनता है और जो डीएस है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है। इसके लिए योग्यता में आपको क्या करना है? योग्यता आपकी जो रहेगी वो बीएड रहेगी, बीटीसी नहीं रहेगी। अब आपको पता ही है, पुराना ही है पैटर्न में पेपर। अच्छा, पैटर्न में दो तरह का पेपर होगा। पेपर में दो तरह का पेपर होगा, एक प्री होगा और एक मेंस होगा। प्री जो एग्जाम होगा वो आपका 300 मार्क्स का होगा और जिसमें क्वेश्चन रहेंगे 120। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो एग्जाम होगा वो 300 मार्क्स का होगा। कितने का होगा? 300 मार्क्स का। क्वेश्चन जो इसमें होंगे वो कितने होंगे? 120 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 120 क्वेश्चन, यानी ईच क्वेश्चन मार्किंग ऑन 2.5 मार्क्स। सो प्लीज आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। हाँ, इसके साथ एक और नई अपडेट है कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी लेट क्यों हुई। एलटी ग्रेड की वैकेंसी, इसकी जो वैकेंसी के पद आने वाले हैं वो 200 पद आने वाले, लगभग 200 प्लस पद आने वाले हैं। 200 प्लस पद का मतलब है कि सभी डिस्ट्रिक्ट से 2 या 3 पद आने वाले हैं, इससे ज्यादा नहीं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, आपका आने वाला जो सत्र है, आने वाले 2023 में वैकेंसियों की बौछार आने वाली है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। केवीएस और पीआरटी तो हमारा एक शुद्ध मुद्दा है कि आ क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा है किसका? सुपर टेट का। सुपर टेट तो आने वाली है। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। ओके।